ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेक्स डिटरमिनेशन एंड सेक्स लिंकेजेस, दैट इज़ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। हमने डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़े पिछले लेक्चर में अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन, और आज जो है थोड़ा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। सो ह्यूमंस लाइक ड्रोसोफिला हैव XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों में सेम है। ड्रोसोफिला में स्टडी किया गया था इसको स्टार्ट में, फिर जो है इसको ह्यूमन में भी स्टडी किया गया है। और द प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम डिटर्मिन्स मेलनेस। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या चीज़ एक डिफरेंट है अनलाइक ड्रोसोफिला, वो है देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम which determines maleness. So the phenotypes that result from abnormal numbers of sex chromosomes which arise when the sex chromosomes do not segregate properly in meiosis or mitosis illustrate the importance of Y chromosome in human sex determination. अच्छा, तो इसका इफेक्ट हमें तब शो होता है जब ये जो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर है ये चेंज हो जाता है, या ये सेग्रीगेट नहीं होते या एबनॉर्मली सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो ये कंफर्म करता है ये फैक्ट दैट देयर इज़ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, जो मेल फिनोटाइप है उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए एक जीन प्रेजेंट है ऑन वाई क्रोमोसोम, जो हमने पढ़ा SRY जीन है, जिसके बारे में हम अब इसमें बात करेंगे। सो सबसे पहले ज़रा एक डिफरेंट कंडीशंस स्टडी करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और उनके एबनॉर्मल सेग्रीगेशन से क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं। सो टर्नर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें हु हैव टर्नर सिंड्रोम आर फीमेल्स एंड ऑफन हैव अंडर डिवेलप्ड सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अंडर डिवेलप्ड होते हैं नॉर्मल एक फीमेल होती है, ठीक है, बट उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस नहीं होते, और इट इज़ सीन इन 1 out of 3,000 फीमेल बर्थ्स। अफेक्टेड वुमन आर फ्रीक्वेंटली शॉर्ट, हैव अ लो हेयर लाइन। आप देख सकते हैं पिक्चर में हेयर लाइन जो है वो काफ़ी लो है नेक रीजन में, उसके शोल्डर्स के बहुत करीब है, ठीक है। रिलेटिवली ब्रॉड चेस्ट एंड फोल्ड्स ऑफ स्किन ऑन द नेक, ठीक है, ये कुछ विजिबल करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ टर्नर सिंड्रोम फीमेल। देयर इंटेलिजेंस इज़ यूजुअली नॉर्मल। मोस्ट वुमन हु हैव टर्नर सिंड्रोम आर स्टेराइल, ये स्टेराइल होते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले 1959 में फोर्ड यूज्ड न्यू टेक्निक्स टू स्टडी ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड डिस्कवर्ड दैट सेल्स फ्रॉम अ 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल विद टर्नर सिंड्रोम हैड ओनली अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम की एबसेंस, फुल एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस जो है दैट लीड्स इनटू टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और दैट्स वाई ये फीमेल्स में ये कंडीशन सिर्फ होती है, क्योंकि उनमें एक एक्स होता है दूसरा एक्स एब्सेंट होता है फुली। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हम डोजेज कॉम्पेंसेशन, जो कि हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे हमारा एक वो टॉपिक इस चैप्टर का पार्ट है बेसिकली, वो हम प्रॉपरली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डोजेज कॉम्पेंसेशन में भी तो है जो है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वो क्या होता है ब्लॉक होता है, और उसकी जो है इफ़ेक्ट जो है उसके जीन जो है वो ब्लॉक होते हैं। तो बात यह है कि जो डोजेज कंपेंसेशन हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के मौजूद होने में और उसका बिल्कुल उसका मास्क होना या उसका ब्लॉक होने में फ़र्क है। डोजेज कंपेंसेशन हमारे पास क्या है, कोई एब्सोल्यूट और 100 क्या कहते हैं उसको,
एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि बिल्कुल ही क्रोमोसोम जो है वो मास्क हो जाता है, बल्कि कुछ डिफरेंशियल होता है जो जिस चले वो हम जब डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोगों ने डोजेज कंपेंसेशन के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल होता नहीं है, एबसेंट होता है, ठीक है। सो इट रिजल्ट इन टू टर्नर सिंड्रोम, और ये कंडीशन होती है। देयर आर नो नोन केसेज इन विच अ पर्सन इज मिसिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल दैट एन इंडिकेशन दैट एटलीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, अब दोनों क्रोमोसोम्स एबसेंट नहीं पाए गए कभी भी किसी पर्सन में, बिकॉज जब एटलीस्ट एक एक्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मस्ट है, ठीक है, वो नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी। और प्रिज्यूमेबली एम्ब्रियोज मिसिंग विद बोथ एक्सेज आर स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, और वो सिरे से वायबल ही नहीं होते जिनमें दोनों एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एक्स का होना लाजमी है, और अगर एक होगा दूसरा एक्स एबसेंट होगा तो फिर टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है, और दोनों होंगे तो नॉर्मल फीमेल होगी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, अकर्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट वन आउट ऑफ 1,000 मेल बर्थ्स, मेल्स में होता है, हैव सेल्स विद वन और मोर वाई क्रोमोसोम्स एंड मल्टीपल एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ एक्स या एक्स क्रोमोसोम तो मल्टीपल होंगे, ठीक है, लाइक एक्स एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई, फोर एक्स वाई और डबल एक्स डबल वाई, तो मल्टीपल वाई भी हो सकता है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इस कंडीशन में जो मेल्स होंगे दे आर मेल, ठीक है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट बट फ्रीक्वेंटली विद स्मॉल टेस्टीज एंड रिड्यूस्ड फेशियल एंड प्यूबिक हेयर, दे आर ऑफन टॉलर देन नॉर्मल एंड स्टेराइल, मोस्ट हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सेम नॉर्मल होती है बट दे आर वो स्टेराइल होते हैं, वो बिकॉज उनके जो टेस्टिस है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। आप यहाँ पे एक कंडीशन शो हुई है पिक्चर में, तो इसमें प्यूबिक हेयर एंड जो टेस्टिस है वो रिड्यूस्ड हैं एंड जो फेशियल हेयर्स नहीं होते, ठीक है, और टॉलर होते हैं नॉर्मल से और स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो कि होता है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे डिस्कस करने का रीज़न ये है कि किस तरह से जो है सेक्सुअल फिनोटाइप्स को अफेक्ट करता है एक क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। एक कंडीशन हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, बट देट वॉज इन ऑटोसोम्स, ठीक है, जब ऑटोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन की वजह से उनमें चेंज आ जाता है तो उसे डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंस आता है नंबर में। एक और कंडीशन है विच इज़ पोली एक्स फीमेल्स, ठीक है, मल्टीपल एक्स फीमेल, फीमेल्स का हमने पढ़ा कि एक जब जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक नंबर कम है। अब पोली में क्या होगा कि ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, तो नॉर्मली इसमें ट्रिपलो एक्स एक्स सिंड्रोम है जिसमें फीमेल इज़ हैविंग ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। दीज पर्सन हैव नो डिस्टिंक्टिव फीचर्स अदर देन अ टेंडेंसी टू बी टॉल एंड थिन। अच्छा, यहाँ पे कोई एज सच डिफॉर्मिटी नहीं होती, टॉल होती है फीमेल, थिन होती है, ऑल दो a few are sterile, कुछ कंडीशन में स्टेराइल भी हो सकती है, बट मैनी मैंस्ट्रुएट रेगुलरली एंड आर फर्टाइल। अब ये फर्टाइल भी होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ जो है वो स्टेराइल होती हैं। और द इंसिडेंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन अमॉन्ग ट्रिपल एक्स फीमेल इज स्ट्राइटली ग्रेटर देन इन जनरल पॉपुलेशन। बस थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन की चांसेस जो है वो उसमें ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है मोस्टली में, बस थोड़ा चांस जो है मेंटल रिटार्डेशन का वो ज़्यादा हो जाता है। और कुछ रेयर कंडीशन में 4 or 5 एक्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छा दे हैव नॉर्मल फीमेल एनाटमी बट आर मेंटली रिटार्डेड एंड हैव अ नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, और सीवियर कंडीशन में 3 नंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्स क्रोमोसोम्स।
अच्छा, अब यहाँ पे इन सब से पता क्या चलता है कि रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, कि द फिनोटाइप्स एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम्स एनोमलीज अलाउ अस टू मेक सेवरल इन्फ्रेंसेज अबाउट द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेक्स डोमिनेशन। तो सेक्स क्रोमोसोम का रोल क्या है, ये फाइव बेसिक इसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, तो ये पढ़ते हैं। इसमें यह है कि द एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर बोथ सेक्सेस, एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स क्रोमोसोम पे कुछ ऐसी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है लाइफ के लिए जो दोनों सेक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक्स का होना मस्ट है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर मेल और फीमेल आगे देखा जाएगा कि अगर दो एक्स हैं तो फिर फीमेल, अगर दूसरा वाई है तो मेल, लेकिन एक एक्स मस्ट है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड इज द मेल डिटर्मिनेंट जीन इज लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम, अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस अ मेल फिनोटाइप। तो जो मेल डिटर्मिनिंग जीन है एस आर वाई जीन, वो जो है वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है, और उसकी एक कॉपी भी जो है वो इनफ है टू प्रोड्यूस अ मेल फिनोटाइप। थर्ड इज द एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन अ फीमेल फिनोटाइप। एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम होगा तो फीमेल बनेगी, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ सेकंड एक्स क्रोमोसोम होगा तो टर्नर सिंड्रोम होगा, और अगर दोनों होंगे तो नॉर्मल फीमेल होगी, और अगर ज़्यादा एक्सेस होंगे तो पॉली एक्स सिंड्रोम होगा। फोर इज जीन्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी आर लोकेटेड ऑन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, अ फीमेल यूजुअली नीड्स एटलीस्ट टू कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू बी फर्टाइल। तो फर्टिलिटी के लिए वाई क्रोमोसोम, अगर मेल है तो वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी है, और अगर फीमेल है तो उसके लिए दो एक्स का होना, एक एक्स बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और दूसरा एक्स फॉर फीमेल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। एडिशनल कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स में अपसेट नॉर्मल डेवलपमेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम दैट इंक्रीज एज अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एक्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि वाई क्रोमोसोम होना मेल के लिए ज़रूरी है, एक एक्स दोनों के लिए ज़रूरी है, दो एक्स फीमेल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा होंगे एक्सेस, और अगर मेल में दो होंगे एक्सेस या फीमेल में तीन होंगे चार होंगे, तो एक्स्ट्रा जो है वो क्या करेगी, वो मेल और फीमेलनेस को क्या करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, बट उसको क्या करेगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन मेलनेस और फीमेलनेस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब द मेल एक्स का तो हमने पढ़ा कि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम का होना मस्ट है फॉर फर्टिलिटी, इसी तरह मेल में जो जीन है वाई क्रोमोसोम पे, दैट इज़ मेल डिटर्मिनिंग जीन, ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जीन, और इसको हमने कहा कि अच्छा ये कहाँ आया, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट, इसको पहले कैसे स्टडी किया गया, कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अ फ्यू रेयर एक्स एक्स मेल्स हु सेल्स अपीयर अपेरेंटली लैक अ वाई क्रोमोसोम, वो देवर अच्छा कुछ डबल एक्स मेल्स जो है वो साइंटिस्ट ने देखे डिस्कवर किए कि वो एक्स एक्स थे और वो मेल्स थे। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और अपेरेंटली उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। फॉर मेनी ईयर्स दीज मेल्स प्रेजेंटेड अ रियल एनिग्मा, हाउ कुड अ मेल फिनोटाइप एग्जिस्ट विदाउट अ वाई क्रोमोसोम। Close examination eventually revealed a small part of the Y chromosome attached to another chromosome. This finding indicates that this is not the entire Y chromosome that determines maleness in humans. Rather, it is a gene on the Y chromosome. तो देखा गया कि छोटा सा Y chromosome का part attached है एक दूसरे chromosome के साथ, जो कि visibly नज़र नहीं आ रहा, लेकिन further examination से ये साबित हुआ कि basically पूरे का पूरा वाई क्रोमोसोम इम्पोर्टेंट नहीं है मेल के लिए, उसमें कुछ जीन्स है, अगर वो प्रेजेंट हो तो वो मेल बनेगा, और वो जीन हमने पढ़ा कि दैट मेल डिटर्मिनिंग जीन इन ह्यूमंस
is called sex determining region Y gene, discovered in 1990. और ये जीन जो है, दिस इज़ फाउंड इन XX males on its and is missing from XY females. अच्छा, XY females कौन सी है? XY females एक कंडीशन हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें ये है कि XY होता है जीनोटाइप, लेकिन वो फीमेल होती है. Y की मौजूदगी में फीमेल होना अब ये एक डिफरेंट चीज़ है. अब क्योंकि Y है तो Y जीन मौजूद है, फिर कैसे हो सकता है कि XY इंडिविजुअल फीमेल हो? तो वो ये है कि सिर्फ Y जीन का एक्सप्रेस होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस Y जीन का फिर दूसरे सेल्स में उसका उसके रिसेप्टर्स का होना वो ज़रूरी है. वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ अ मेल डिटर्मिनिंग जीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल फीनोटाइप प्रोडक्शन. अब इसमें कुछ उन्होंने एग्जांपल दी हैं, माउस में इसको स्टडी किया गया, और एक प्रोटीन है जो इनकोड करता है, SRY एक प्रोटीन को कोड करता है जो कि DNA के साथ बाइंड होके उसके मॉलिक्यूल में चेंजेस करती हैं, और दिस अल्ट्रेशन स्ट्रक्चर में अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स दैट इनकोड टेस्टिस फॉर्मेशन. तो ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है फिर जीन्स एक्सप्रेशन का. और एक इस सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. हम ये टॉपिक इसके साथ आज का टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे. एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है? अच्छा, यहाँ पे है कि सेवरल जीन्स बिसाइड SRY इन्फ्लुएंस सेक्शुअल डेवलपमेंट इन ह्यूमंस. सिर्फ SRY जीन का होना लाजमी नहीं है, लाजमी है लेकिन सिर्फ उसका होना काफ़ी नहीं है. इसके लिए क्या है कि ये SRY जीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स कोड करते हैं जो आगे जाके टेस्टीज की डेवलपमेंट करते हैं और ओवरीज को सप्रेस करते हैं, ठीक है? अब वो प्रोटीन्स जब तक जा करके फीमेल्स के जो फीमेल गोनेडल सेल्स जो हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे कि अर्ली एम्ब्रियो में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, दोनों सेल्स मौजूद होते हैं. तो जब ये SRY जीन अपने प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करेगा तो ये जा करके फीमेल सेल्स में फीमेल सेल्स को रिसीव करेंगे, उस पर रिसेप्टर्स होंगे. जब वो रिसेप्टर्स जाके उधर फिर फीमेल ओवरीज और ओविडक्ट्स को जो है सप्रेस करते हैं उनकी फॉर्मेशन को, और क्या होगी कि आगे जाके फिर टेस्टिस डेवलप होते हैं. सो ये मैकेनिज्म होता है. अब एक कंडीशन है जिसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है कि एंड्रोजन जो है, जो मेल सेक्स हार्मोन्स है, तो फीमेल गोनेडल सेल्स जो हैं वो उसके लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं. एंड्रोजन SRY जीन एंड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है लेकिन वो एंड्रोजन डिटेक्ट ही नहीं होता फीमेल. अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, ये क्लियर हो जाएगा. एग्जामिनेशन बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट रिवील्स दैट द वेजाइना एंड्स ब्लाइंडली एंड दैट द यूटरस ओविडक्ट्स एंड ओवरीज आर एब्सेंट. ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये वुमन होते हैं, फीमेल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो अंदर से मेल होते हैं. कैसे होते हैं? वो उनकी जो है फिजीक जो है वो फीमेल्स की होती है. दीज पर्सन हैव फीमेल एक्सटर्नल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन. साइकोलॉजिकली और फिजिकली फीमेल्स होती हैं. मोस्ट आर अनअवेयर ऑफ देयर कंड. और इसमें एक बात यह है कि नेक्स्ट लेवल की बात, कि प्यूबर्टी तक पता ही नहीं चलता. प्यूबर्टी जब आती है एंड दे फेल टू मेंस्ट्रुएट, जब उन्हें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तब पता चलता है कि दे आर बेसिकली इंटरनली मेल्स, ठीक है? अब वो कैसा होता है, कंडीशन कैसी होती है, उसमें यह है कि फिर गायनेकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन से ये रिवील हुआ कि वेजाइना वो ब्लाइंड होता है एंड जो है वो ओपन एंडेड नहीं होता, एंड दैट यूटरस ओविडक्ट्स एंड ओवरीज आर एब्सेंट. Inside the abdominal cavity lies a pair of testes which produce levels of testosterone normally seen in the males because of SRY gene. Y chromosome present hota hai to
उनके अंदर क्या टेस्टिस प्रोड्यूस होते हैं विच प्रोड्यूस लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल इन मेल्स. द सेल्स ऑफ वुमन विद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कंटेन इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. एक्स वाई क्रोमोसोम वो बेसिकली अंदर से मेल होता है, लेकिन सिंपल ये है, मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब टेस्टिस प्रोड्यूस होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जा कर के फीमेल और जो मेल फीमेल वो है गेमीट्स हैं, फीमेल जर्म सेल्स हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उनको सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज वो सेल्स उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते. इस वजह से उसको कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी. तो जब वो उसको वो टेस्टोस्टेरोन वो एंड्रोजन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते वो सेल्स, तो वो सेल्स अपनी नॉर्मल फीमेल डेवलपमेंट जारी रखते हैं और उनसे क्या बन जाती है? फीमेल बन जाती है, लेकिन अंदर से वो मेल होता है. इन ह्यूमन एम्ब्रियो विद अ वाई क्रोमोसोम द SRY जीन कॉज द गोनेड्स टू डिवेलप इनटू टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. ये गौर से देखें, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स एम्ब्रियोनिक टिश्यूज टू डेवलप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट फॉर टेस्टोस्टेरोन टू हैव इट्स इफेक्ट इट मस्ट बाइंड टू एन एंड्रोजन रिसेप्टर. अब उस टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट तब होगा जब वो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा. दिस रिसेप्टर इज डिफेक्टिव इन फीमेल्स विद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी. अब इस सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये एंड्रोजन रिसेप्टर डिफेक्टिव होता है, तो क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट देयर सेल्स आर इनसेंसिटिव टू टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेलप हो जाते हैं. होता यह है कि मेल्स में, नॉर्मल मेल्स में यह होता है कि वाई क्रोमोसोम SRY जीन के साथ टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस तक प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके एंड्रोजन रिसेप्टर्स में भी जब वो हेल्दी रिसेप्टर्स होते हैं तो वो रिसेप्टर्स फीमेल डेवलपमेंट को सप्रेस कर देते हैं और मेल डेवलपमेंट होती है. अब यहाँ पे वो फीमेल्स जो है वो इनसेंसिटिव होती हैं फॉर एंड्रोजन रिसेप्टर्स, तो उनमें वो जो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के और एंड्रोजन के, उनका इफेक्ट ही नहीं होता उन पे. तो जब इफेक्ट ही नहीं होता तो वो आगे उनकी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट कंटिन्यू हो जाती है. सो द जीन्स फॉर एंड्रोजन रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. सो पर्सन विद दिस कंडीशन ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, क्योंकि एक्स तो एक प्रेजेंट है, तो उस एक्स के ऊपर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के तो जीन्स मौजूद है, तो वो जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं एज अ इन द एबसेंस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स. आ रही है बात समझ? ठीक है, तो ये जो है यहाँ इस पैराग्राफ में ये बात की गई है आखिर में कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इलस्ट्रेट सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन. अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो बात है वो सिंपल ये है कि यहाँ से हमें पता चला कि सिर्फ एक्स ये वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी नहीं है फॉर मेल, उस वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन का होना ज़रूरी है. सिर्फ SRY जीन का एक्सप्रेस होना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका एंड्रोजन रिसेप्टर्स का हेल्दी होना ज़रूरी है. अगर वो भी ना हो तब भी जो है SRY जीन किसी काम का नहीं है. सो इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस. ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, नॉट जस्ट कि वाई प्रेजेंट है बस बात बन गई या सिर्फ SRY जीन एक्सप्रेस हो गए, नहीं आगे बट ऑल्सो बाई अदर जीन्स फाउंड एल्सवेयर. तो अब देखें, ये जो सिंड्रोम है ये दूसरी जगह पे दूसरे सेल्स में जो है इसके रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. ठीक है कि मेल से एक फीमेल बन रही है. ठीक है, सेकंडली इट शोज दैट मोस्ट पीपल कैरी जीन्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज इलस्ट्रेटेड बाई द फैक्ट दैट दोज विद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इवन दो दे हैव मेल क्रोमोसोम्स. तो मेल क्रोमोसोम की मौजूदगी में फीमेल का बनना, इट मीन्स के जीन्स दोनों मौजूद हैं मेल फीमेल, लेकिन आगे जाके वो प्रोसीजर और मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है. सो इनडीड द जीन्स फॉर मोस्ट मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम बट ऑन ऑटोसोम्स. और फिर सेकेंडरी मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फिर वो ऑटोसोम्स पे होते हैं ना के सेक्स क्रोमोसोम्स पे, कुछ ऐसे भी होते हैं.
So the key to maleness and femaleness lies not in the genes but in the control of their expression. बहुत important point के maleness और femaleness सिर्फ genes नहीं है बल्कि उनका control और उनका expression है, ठीक है. So it's a complex, ज़ाहिरन आसान और ईजी प्रोसेस नज़र आने वाला, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. सो देट वॉज सम बेसिक टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस. और दैट्स इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम कुछ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और डिजीज़ पढ़ेंगे. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ टॉपिक. सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह.